कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। कोरोना वायरस वैक्सीन अब चुनावी वादों का हिस्सा बन चुकी है। भाजपा ने बिहार में वादा किया है कि हर एक शख्स को मुफ्त में टीका लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए ये वादा दोहराया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ICMR कोरोना की किसी वैक्सीन को मंजूरी देता है और बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन शुरू होता है, बिहार में हर व्यक्ति का मुफ्त में टीकाकरण होगा। बीजेपी का ये वादा भले ही चुनावी हो, लेकिन इसके मायने पूरे देश के लिए बहुत अहम है। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में NDA की सरकार है। ऐसे में बिहार में मुफ्त टीकाकरण का वादा कर बीजेपी ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि भारतीयों को COVID-19 वैक्सीन के लिए कीमत नहीं चुकानी होगी। क्या है बीजेपी का पहला चुनावी वादा? बिहार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पहला संकल्प वैक्सीन को लेकर रखा है। पार्टी वादा कर रही है कि टीका तैयार होने पर बिहार वासी को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। बीजेपी के वादे से क्या मिल रहा इशारा? बीजेपी ने बिहार में मुफ्त वैक्सीन का वादा करके लगभग साफ कर दिया है कि सरकार नागरिकों को मुफ्त में टीका उपलब्ध करवाएगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो राज्य सरकार अपने खर्च पर नागरिकों को वैक्सीन लगवा सकती है। एक तरह से इसे रणनीतिक घोषणा की तरह भी देखा जा सकता है। अगर बिहार में मुफ्त वैक्सीन मिलेगी तो बाकी राज्यों में भी फ्री में टीका लगाने की डिमांड होगी। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कोई कीमत तय भी करती है तो राज्य सरकारें उसे चुकाएंगी, ताकि लोगों की नाराजगी से बचा जा सके। अगर एक राज्य में फ्री वैक्सीन मिलेगी और दूसरे में पैसा लिया जाएगा तो लोग अदालत का रुख भी कर सकते हैं। संभावना इसी बात की ज्यादा है कि केंद्र सरकार ही इस ग्लोबल महामारी के टीके का पूरा खर्च उठाएगी। भारत में कोविड के 3 वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। इन्हें मंजूरी ICMR से मिलेगी और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल देंगे। वैक्सीन के दाम क्या होंगे ये सरकार वैक्सीन डेवलपर से बातचीत के बाद तय करेगी। फिलहाल जोर जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि प्राथमिकता के आधार पर जुलाई 2021 तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को टीका लगाने की तैयारी है। वैक्सीन की कीमत को लेकर स्पष्टता तभी आएगी जब ट्रायल पूरे हो जाएंगे और अप्रूवल मिल जाएगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।